जिमीकंद की सब्जी बनाने के लिए हमने आधा किलो जिमीकंद लिया है जिसे हमने फ्राई कर लिया है। हम 4 से 5 कटे हुए प्याज लेंगे, 6 से 7 तुरियां लहसुन की और थोड़ा सा अदरक। इन तीनों चीजों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अब हम 6 से 7 टमाटर लेंगे जिसको मिक्सी में अलग से ग्राइंड कर लेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें हम 1 करछी तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरे का डालेंगे। जब जीरा भुन जाए तो उसमें हम पिसा हुआ प्याज डालेंगे और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर की बनाई हुई प्यूरी डालेंगे और एक बार फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरह से भून लेंगे। भुने हुए मसाले में अपने स्वाद के हिसाब से आप नमक डाल लीजिए, 1 छोटा चम्मच सूखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें तला हुआ जो जिमीकंद है वो डाल लीजिए। अब इस मसाले को लगभग 5 से 7 मिनट तक के लिए पका लीजिए। सर्व करते हुए आप इसमें ताजा धनिया डाल लीजिए। आप इस सब्जी को किसी स्पेशल ओकेजन पे जरूर बनाइएगा। इसको आप रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।